गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सॉलिसिटर लेक्चर नंबर 5 को तुम मानक वेलकम करुच्छी। सो किस दिन गैप है कि पर्सनाल प्रोब्लेम थी मुझे टाइम दे पार नहीं तुम मानक। सो फ्रम टुडे विल कंटिन्यूअसली तुम मान क्लास नेबी। सो डोंट वरी, तुम देखिए क्लास नंबर 4 में कम पढ़ी। नॉर्मली क्लास नंबर 4 में तुमको बेसिक आइडिया दिया का उपरे पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन कौन सेटा भी तुमको कही। पैकिंग फ्रैक्शन है गोटे आटम केते वॉल्यूम ऑक्युपाई करुछि, आटम माने केते वॉल्यूम ऑक्युपाई करचंती डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट्स पैकिंग फ्रैक्शन। आ पैकिंग एफिशिएंसी जेतो भी बाहर करथले हमें परसेंटेज रे ही बाहर करथले। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी डिफरेंस कौन होची, पर्टिकुलर किसी आटम मानक पैकिंग फ्रैक्शन बाहर करवा आकु परसेंटेज कन्वर्ट करवाक पैकिंग फ्रैक्शन ने 100 मल्टीप्लाई करी आम कौन करते पैकिंग एफिशिएंसी आम कौन करते ये डिराइव करते वैल्यू आम के परसेंट थी। आ पैकिंग एफिशिएंसी बाहर आम जापर के एम्प्टी स्पेस अच्छी जोटा कि आम सॉलिसिटेड टर्म में कहवा वॉइड्स कहवा। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी सहित वॉइड्स भी चेक करवा आम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑलरेडी बाहर कर सारी जो थे कि पैकिंग एफिशिएंसी के 52% तेनाली बाहर करवा पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो नॉर्मली मुझे तुमको कही सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो कि फेस सेंटर्ड हो कि बॉडी सेंटर्ड हो आमको पैकिंग फ्रैक्शन हो कि पैकिंग एफिशिएंसी हो ताको हमें डिराइव करने को हेले आमको कौन दरकार रैंक ऑफ आटम दरकार। रैंक माने नंबर ऑफ आटम्स पर यूनिट सेल एलोंग विथ आम आउ कौन चेक करवा एज लेंथ आउ रेडियस भितर आम कौन करवा माने रिलेशनशिप टा आम चेक करते समस्त ऑलरेडी आप पूर्व डिराइव कर सारी पास आम फॉर्मूला पुट करवा आंसर पाई। देखा प्रथम देखा रैंक ऑफ आटम फेस सेंटर पर रैंक ऑफ आटम बा नंबर ऑफ आटम्स पर यूनिट सेल के आसा फेस सेंटर पर सर्टकट करदे कर्णरे 8 था इजिकल टू 1 आसीगला एंड फेस के हाफ पार्ट था इंटु 6 6 फेस था तेज के 3 एंड रैंक ऑफ आटम आम के 4 पाइले। फेस सेंटर पर आर आउ ए भितर आम रिलेशनशिप चेक करते आर एंड रिलेशनशिप बिटवीन कार एज लेंथ ऑफ आर रेडियस ऑफ आटम आर भितर आम कौन करते डिराइव कर सारी क्या आर आउ ए भितर रिलेशनशिप कौन अच्छी क्या फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल मैंने कौन पाई ये आर इज इक्वल टू रूट टू ए डिवाइड बाय 4 और आम लिख पार कौन ए इज इक्वल टू 4 आर बाय रूट टू मल्टीप्लाई कर ए इज इक्वल टू 4 आर बाय के आसा रूट टू आम जानते स्फीयर ऑफ वॉल्यूम स्फीयर लिखिपर वॉल्यूम ऑफ 1 आटम लिखिपर क्या आटम शेप हो स्फेरिकल सो स्फीयर ऑफ वॉल्यूम आम के जानते 4/3 πr³ आ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ यूनिट से लिखिपर टोटल वॉल्यूम आम लिखिपर देख टोटल वॉल्यूम इजिकल टू आम के पाई जेहेतु गोटे क्यूब रे लेंथ वेथ आउ हाइट तीन टाक सेम थिला हमें तीन टाक मल्टीप्लाई करथिले हम कोन पाई जथले वॉल्यूम। तन देखिए पैकिंग फ्रैक्शन फॉर्मूला होची वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय आटम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम रैंक ऑफ आटम केतरा आटम अच्छे 4 तेन वॉल्यूम रही आम आटम वॉल्यूम पाई 4/3 πr³ डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम के क्यूब अच्छे ए रहा भेलू पाई सारी 4r/√2 सो मल्टीप्लाई कर दिव्य 16/3 πr³ इंटु ए रैल्यू हूँ 4r/√2 4r/√2 रोल क्यूब तेन के 16 πr³ डिवाइड बाय 3/4r³ के 64r³ आर √2 को √2 देखिए कितने आसी √2 × √2 × √2 कितना आसीगला 2√2 आसी ऊपर नहीं जाता 2√2 तन 64 कटिगला 4 आसीगला 2 × 4 कटले कितना आसला 2 आसला कितना पाइगला आर क्यू क्यानसल तन कौन पाई पाई इंटू
root 2 divided by 3 into 2 केते आसीला 6 पेंगी फ्रैक्शन ताने पाई रो वैल्यू हम जान चंती केते 3.145 root 2 रो वैल्यू केते आसीला 1.414 divided by केते आसीला 6 जार वैल्यू अप्रोक्सीमेटली केते आसीबो एठी 0.74 आसीबो approximately कितना आसीबो 0.74 सो पैकिंग एफिशिएंसी हम जानते नहीं फॉर्मूला कौन हो पैकिंग फ्रैक्शन ने हमें 100 मल्टीप्लाई कर दो बा कितने पाई जीबा 0.74 into 100 is equal to कितना आसी गला 74% तो 70% वॉल्यूम क्या ऑक्युपाई कर ची आतर में ऑक्युपाई कर चुके अब एम्प्टी स्पेस कितना आ ची हम यानी कि 100 माइनस 74 जीरो लोग कितना आ 26 मु आप लोग टेबल कर दे तो हम पाई जो देखना हमें बहुत इजी है ओके आज जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ एटा का पई बाहर करले फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट से भाई तुम इजीली भी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल पई भी इजीली तुम बाहर करले परबो सो जल्दी आ स्क्रीनशॉट नहीं जाओ मु बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल टाव डिराइव कर दउछ ओके तला हम कोन करले एठी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल पई पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग एफिशिएंसी एलोंग ता पई हमें एम्प्टी स्पेस भी केत रहला हमें इजीली कोन कर पले डिटरमाइन कर पले तने बे देखिबा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पई नॉर्मली हमें चेक कर दबा रैंक ऑफ एटम बा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल चेक कर दियो प्रथम देखो चारटा दरकार हम चारटा पॉइंट पाई गेले हम इजीली कैलकुलेशन कर दे पादिया मैथमेटिक्स जा रहते हबो से इजीली कोन कर पेरबो डिटरमाइन कर पेले त रैंक ऑफ एटम चेक कर दबा त रैंक ऑफ एटम केते आसी गला तने सब बेले कॉर्नर रु हे त 1/8 * 8 = 1 आसी गला कॉर्नर पई नेक्स्ट कोठी आसीला बॉडी रे फुल पार्ट रोज तन 1 * 1 = 1 डिनम ऐड कर दियो रैंक ऑफ एटम केते पाइले 2 एना ऑलरेडी मु पूर्वरु तुमको डिराइव कर सिया छी तने मे देखिबा रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम आर एंड एज लेंथ ए का पाई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल तन आर इज इक्वल टू हम केते पाई थिले रूट 3 इनटू ए डिवाइड बाय 4 और हमें लिख परिबा ए इज इक्वल टू 4 आर बाय रूट 3 आ वॉल्यूम ऑफ एटम बा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जान चंती वॉल्यूम ऑफ एटम केते पाई थिले हम एठी फार्मूला 4 बाय 3 पाई आर क्यूब एंड लास्ट काम कोन पाई थिले टोटल वॉल्यूम बा क्यूब रा वॉल्यूम हम केते पाई थिले एठी ए क्यूब पाई थिले केते पाई थिले ए क्यूब तन फार्मूला पुट करिबा पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय केता आसीला टोटल वॉल्यूम तन वॉल्यूम ऑक्युपाइड नंबर ऑफ एटम केते अछि 2 अछि एठी तन 2 इनटू 4 बाय 3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ए क्यूब एंड ए क्यूब जारा हम कॉम पुट कर परबा 4 आर बाय रूट 3 4 आर बाय रूट 3 रा होल क्यूब त मल्टीप्लाई कर दियो 8 डिवाइड बाय 3 पाई आर क्यूब 4 आर रा होल क्यूब केता आसला 64 आर क्यूब आर रूट 3 रा क्यूब केता आसीओ रूट 3 * रूट 3 * रूट 3 तन 3 रूट 3 आसीला केता आसीला 3 रूट 3 तन 8 रे 64 कैंसिल हो गेला केता आसला 8 आसीला 3 3 कैंसिल आर क्यू कैंसिल हम केते पाई गेले पाई * रूट 3 डिवाइड बाय केता आसीला 8 आ पाई रे वैल्यू हम समस्त को जाना 22 बाय 7 बा 3.14 लिख दे परिबा एंड रूट 3 वैल्यू तुम गिवन थिबो जोडा केते 1.732 2 डिवाइड बाय केता आसीला 8 जोडा कि तुमको अप्रोक्सीमेटली केता आसीबो एठी 0.68 पैकिंग फ्रैक्शन मारि गेला सो पैकिंग एफिशिएंसी केता आसीबो 0.68 * 100 इज इक्वल टू 68% वॉइड माने एम्प्टी स्पेस के एति एति एटम माने 68% वॉल्यूम ऑक्युपाई करूछंती सो टोटल वॉल्यूम हम जानछन 100% 68% ऑक्युपाई कला परे एम्प्टी स्पेस प फांका स्थान केत रहइबो एठी ऑब्वियसली 32% बुझ पारथबो तना एम्प्टी स्पेस केते रहइबो एठी 32% रहइबो सो आमे तीनटांगो चेक करले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पई चेक करले फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पई चेक करले एला गुट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पई चेक करले आर जल्दी तमे स्क्रीनशॉट नै जाओ मारो एक कांसेप्ट पा तमो टेबल दे करे देबी जो के तम बहुत इजी हबो जल्दी आर स्क्रीनशॉट नै जाओ स्क्रीनशॉट जल्दी नै जाओ
ओके 1 2 3 ओके ओके हमें टेबुल टे कर देबा त देखिए टेबुल सिस्टम देखिबा आगे देखो प्रथम देखिबा क्रिस्टल सिस्टम कौन अच्छी सिंपल अच्छी कि फेस सेंटर्ड अच्छी कि बॉडी सेंटर्ड अच्छी क्रिस्टल सिस्टम आसीबो क्रिस्टल सिस्टम आउट आसला कौन रैंक ऑफ एटम बा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल सब रिपीट कर मन रखिबो रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस आर एंड एज लेंथ ए परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आउट कौन आसब परसेंटेज वॉइड्स वॉइड्स कौन कह तुमको एम्प्टी स्पेस कहीपर ओके क्रिस्टल सिस्टम आगे देखा सिंपल बात आम कौन कहीपर कहते प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल रैंक ऑफ एटम जानते ओनली एट कॉर्नर से एटम रहुतला त नहीं आठटा कॉर्नर थिला एटम रो 1/8 पार्ट इनसाइड द क्यूब थिला सो 1/8 × 8 केता सिगला एठी रैंक ऑफ एटम केता सिला 1 त रिलेशनशिप बिटवीन हम जानते आर इज इक्वल टू बट ए लिख दी परिया एठी ए इज इक्वल टू 2r और आर इज इक्वल टू ए बाय 2 मे डिराइव करथे एठी त परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी केता आस्तिला 52% सो 100 - 52 के आसो 48% कौन थी एम्प्टी स्पेस पर वर्ड्स ए जो तुम बुढ़ाए सर्ट क्वेश्चन तुम पाइज ये टेबुल तुम मन दे पार आर बुढ़ाए सर्ट क्वेश्चन आसो जो तुम इजिली इजिली ये टेबुल हम तुम इजिली पाइपर ओके नेक्स्ट सर्ट देखो देखा एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट से एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक आप यहाँ पार्ट हम जानते आगे रही है कॉर्नर तेन 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1 फेस रे आटम रो हाफ पार्ट अच्छे हम जानते तो छा फेस अच्छी हाफ इंटू 6 इज इक्वल टू 3 टोटाल रैंक ऑफ आटम के 4 आसगला पूर्व तुमको कही भर रिलेशनशिप चेक करवा आर इज इक्वल टू √2a/4 और आम लिखते ए इज इक्वल टू 4r/√2 फेस सेंटर क्यूबिक आर आम पैकिंग एफिशिएंसी कैसे आसला 74% आसला पैकिंग एफिशिएंसी सो 100 - 74 कैसे आसो एम्प्टी स्पेस कैसे आसगला 26% आसीगला दुटा टेबुल सरीगला तीन नंबर टेबुल देखा बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक रे हम कौन जानते सब मन रख पुराणा जिते आम पढ़ी पढ़ी आस तो सब लिंक अच्छे तेने बीसीसी हूँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक माने क्यूब्र कर्नर आटम थी आम क्यूब्रे आठटा कर्नर देखी थे जो केस कौन थी आटम रईथ पार्ट क्यूब्र इन सैडे फाइल आउ बड़का पार्ट जाता बार आउटसाइड ऑफ क्यूब थिला सो आम कॉर्नर थिला आठटा सो आटम ने केते पार्ट अच्छी 1/8 पार्ट सो मल्टीप्लाई कले केते एठी 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1 आ बॉडी रे अच्छे नने पूरा इनसाइड द बॉडी अच्छी त फुल आटम रे अच्छी तने केते लिख दे परबा 1 × 1 इज इक्वल टू 1 तो रैंक ऑफ आटम केते पाइले एठी 2 पाइले ओके ताका हम तो रिलेशनशिप चेक करबा का भीतर रेडियस ऑफ आटम आर एंड एज लेंथ ए भीतर सो आर इज इक्वल टू हम केते पाइले एठी √3a/4 बा a इज इक्वल टू केते पाउथले 4r/√3 पाइले एलांग विथ बीसीसी जो बॉडी सेंटर क्यूबिक रे आमे परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी केते पाइथले परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी केते पाइथले एठी 68% सो एम्प्टी स्पेस केते रहइबो 100 - 68 केते आसीला एठी 32% ओके ए टेबुल स्क्रीनशॉट नहीं जाओ करदब ये टेबुल टा को तुम मन रखे गुड़ाए सर्ट क्वेश्चन तुम सल्व करने तुम बहुत इजी हो जाए ओके जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ जल्दी जल्दी पूरा निजे ट्राए कर जदि फर्मूला तुम मन रख क्रिस्टल सिस्टम सहित रैंक ऑफ एटम वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अलोंग विथ रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम आर तेने इजिली तुम पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग फ्रैक्शन पाइज आज जो पैकिंग एफिशिएंसी पाई जाऊ सो ऑब्वियसली तुम कम पाइज ये वॉइड्स एम्प्टी स्पेस पाइज कारण 100% फुल रोचे जीत परसेंट अकुपाई कर 100 - वॉल्यूम अकुपाइड बाय एटम्स इज इक्वल टू के आसीज वॉइड्स एम्प्टी स्पेस पाइज जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ ओके ओके त
आम देखी कौन अठी पैकिंग फ्रेक्शन पैकिंग एफिशिएंसी एम्प्टी स्पेस भॉइड सब चेक करते क्या सब क्रिस्टल सिस्टम मेनली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड आम कंपैक्ट फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल तो ये देखा ये जो क्रिस्टल क्रिस्टल क्या नहीं या एटम्स मानक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कही सब कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करवा सब अरेंजमेंट करवा अरेंजमेंट करवा तीन प्रकार अरेंजमेंट करवा वन डायमेंशनली टू डायमेंशनली एंड थ्री डायमेंशनली ता प्रकार सब डिटेल्स हम चेक करवा ओके मन रखी पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो केमिति आम क्रिस्टल को पैक कर क्या द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गोटे क्रिस्टल हो नॉर्मली आम एटम्स द्वारा पैक कर तेने तार आम कौन सब चेक करवा कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करवा कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करी आम कौन करवा अरेंजमेंट केते प्रकार सब अरेंजमेंट अच्छी डिटेल्स आम देखा ओके तेने कोऑर्डिनेशन नंबर कौन आगे देखीदे कोऑर्डिनेशन नंबर कौन देखा ये द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स टू एनी नियरेस्ट माने आटम को आटम केते लागी तो नियरेस्ट नेवर टू एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर मन रखा नियरेस्ट नेबर मान पाख किए अच्छे नेबर आम पड़ोसी किए मान कही नियरेस्ट नेबर लिखिपर ब्राकेट मन रखा अटैच टचिंग आटम लिख दे पारा टचिंग आटम अटैच आटम लिख दे पारा टचिंग कौन अटी अटैच आटम तर आटम को आटम के लगी कौन कह कोऑर्डिनेशन नंबर कह नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स टू एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केते नियरेस्ट नेबर अच्छा गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लगिकी इन ए क्रिस्टल गोटे क्रिस्टल ले केते नेबर पार्टिकल्स नेबर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को लगी इन ए क्रिस्टल आम कौन कहते ये कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर है चेक करवा कौन करवा कोऑर्डिनेशन नंबर बाय जो पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंजमेंट तक आम कही पारा तीन प्रकार अरेंजमेंट अच्छे 1D पैकिंग 2D पैकिंग और 3D पैकिंग अच्छे है पैकिंग हूँ थ्री टाइप्स पैकिंग कौन हूँ ये पैकिंग आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स गोटे हूँ 1D पैकिंग वन डायमेंशनल पैकिंग दो नंबर आसला कौन 2D पैकिंग टू डायमेंशनल पैकिंग आ तीन नंबर आस थ्री पैकिंग थ्री डायमेंशनल पैकिंग 1D आस मन रखी वन एक्सिस खाली आम नहीं पारे एक्स कि वाई एक्सिस नहीं पार 2D आस एक्स आ वाई बोथ आस 3D आस एक्स वाई एंड कौन आस जेड एक्सिस आस 3D जेड एक्सिस को हम नॉर्मली शो कर पारे डॉट लाइन शो करती सो 3D एक्सिस तीन टा एक्सिस एक्स वाई जेड 2D एक्सिस एक्स वाई एक्सिस एंड 2D पार्टिकल हूँ केवल वन एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओके जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ मुझे डिटेल्स पर 1D पैकिंग क्लासीफाई करी 2D पैकिंग क्लासीफाई करी 3D पैकिंग क्लासीफाई करी डिटेल स्ट्रक्चर सहित तुमको सब बुझे ओके जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ कोऑर्डिनेशन नंबर में किसी बेसिक आइडिया पाइले नंबर ऑफ नेबर्स नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स अटैच टू एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल तक हम कौन कहे कोऑर्डिनेशन नंबर तार पैकिंग हूँ तीन प्रकार देखिले 1D पैकिंग 2D पैकिंग 3D पैकिंग आम से चेक कर 1D पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर के 2D पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर के 3D पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर के डिटेल्स हमें चेक कर फास्ट देखा 1D पैकिंग 1D पैकिंग तेरे 1D पैकिंग तुमको अलरेडी कही सारी गोटे एक्सीस अरेंजमेंट करवा तेनाली आटम को आटम लगे
एक्स एक्सीस हो कि वाई एक्सीस हो आटम बल लगे आम तो दसटा बल नहीं थोद गोटे लाइन कर एक्स आक्सीस थोबा कि वाई आक्सीस थोबा गोटे आक्सीस नहीं पार धर एक्जाम्पल आम एक्स आक्सीस नहीं जा आटम सब आटम गुड़ा नहीं जा एक्स आक्सीस आटम वन आटम टू आटम थ्री आटम फोर आटम फाइव आटम सिक्स आ क्रिस्टल आटम संख्या इनफिनिटी सो मुझे फाइव छटा शो कर दी तुमको आटम छटा अच्छे देखिए जेको आटम तुम निको आटम फास्ट आटम छा इनफिनिट लगी लगी इनफिनिट बुझे देखा ये फास्ट देखा द्वारा एक्जाम्पल आम नहीं आटम को नहीं आम ये आटम को क्लासीफाई करवा यही आटम को देखा तो सैड नेबरेस्ट नियरेस्ट नेबर क्यों मैंने अच्छा कतेटा कन्स्टिट्यूंट पार्टिकल आटाच होता आम कौन कह कोऑर्डिनेशन नंबर तेने यही आटम को पिक कले तो सैड्रे कौन अच्छी ए गोटे आसला दुई नंबर आसला तेने यही कन्स्टिट्यूंट पार्टिकल को दुईटा आटम लगिक अच्छा टचिंग आटम के दुईटा आउ कौन ना देख जहाँ को नहींपर पिक कर कौन आस गोटे आटम कौन कर वन डी पैकिंग कौन कर नियरेस्ट नेबर में कौन थी दुईटा आटम थी टचिंग आटम अटाच्ड आटम के दुईटा थी तेने ये आम जानपर यह कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ हम चेक कले वन डी पैकिंग के आसगला टू आसगला वन डी पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर कौन आसला टू टू डी पैकिंग देखा अभी टू डी पैकिंग हूँ दुई प्रकार ये वन डी पैकिंग देख खाली केवल एक्स एक्सीस आरेंज करदे वाई एक्सीस आरेंज करदे जो थे गले भी चलो कि टू डी पैकिंग आसो दुई प्रकार दुई प्रकार देखा ये टू डी पैकिंग गोटे हूँ कौन टू डी स्क्वायर पैकिंग आउ गए कौन आसला टू डी हेक्सागोनल पैकिंग टू डी हेक्सागोनल पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग भी देखो कहींपर एच सी पी भी थ्री डी डिटेल्स देखा टू डी पैकिंग थ्री टू डी स्क्वायर पैकिंग गोटे आसला टू डी हेक्सागोनल पैकिंग आसला धर एक्जाम्पल तुमको किसी बल दिखाला आरेन्ज करजाम्पल एम देखाने टू डी पैकिंग देखुना किसी बल आरेन्ज कर कहला दसटा बल तुमको दिखाला तुम आरेन्ज कर दस एगार बार जितना अच्छे आरेन्ज करदे मैंने ये देख मुझे कहूनी टचिंग आटम देखा गोटे आटम को गोटे बल को कतटा बल टच कर देखा यही आटम को पिक कर आसला ये गोटे आसब वन टू थ्री फोर ये आटम सब टच करें देखो यदि आम चेक करवा आटम को आटम चेक करें ना ये बल को बल चेक कर स्क्वायर पैकिंग अलग हेक्सागोनल पैकिंग अलग मुझ समस्त डिफरेंट कर देखे तेने आम यदि टू डी पैकिंग करते आक्सीस इनवल्व हो पार एक्स आक्सीस वाई आक्सीस जो डिरेक्शन तुम कौन करेंगे आम कौन कर पैकिंग करन डी पैकिंग में देखीदे ये कोऑर्डिनेशन नंबर के टू अच्छी कहना गोटे यदि कन्स्टिट्यूएंट यूनिट कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नौकर साइड टचिंग आटम के दुईटा अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर के दुई ओ जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ टू डी स्क्वायर पैकिंग बुझेबी टू डी हेक्सागोनल पैकिंग बुझेबी जल्दी टू डी स्क्वायर पैकिंग देखा टू डी स्क्वायर पैकिंग आगे देखा टू डी हेक्सागोनल पैकिंग देखा टू डी स्क्वायर पैकिंग देखा कही एक्स आक्सीस इनवल्व हम वाई एक्सीस इनवल्व हम मन इच्छा तो तब आउरी भी कर पाइबो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तुम जेकोसी आटम नहीं जाओ अभी जेकोसी कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तुम नहीं पारे मुझे एक्जाम्पल यू नौकर मेनसन कर यहाँ हूँ मेन कन्स्टिट्यूएंट यूनिट गोटे आम फाइट कर देखा आम टचिंग आटम चेक करवा यही आटम को कतेटा आटम टच कर देख प्रथम देखिले एक नंबर ये देख दुई नंबर ये देख तीन नंबर ये चार नंबर
ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି, ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି ମାନେ କେତେଟା ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆଟମ୍କୁ କେତେଟା ଆଟମ୍ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି କୋଡିନେସନ ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ଟୁ ଡି ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାକିଂ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କୋଡିନେସନ ନମ୍ବର କେତେ ଆସୁଛି ଫୋର। ବା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟୁ ଡି ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାକିଂ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମେ ସେଇ ମୁଣ୍ଡର ଆଇଡିଆ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟୁ ଡି ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାକିଂ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର କୋଡିନେସନ ନମ୍ବର କେତେ ଆସିବ ଫୋର ଆସିବ। ସୋ କୋଡିନେସନ ନମ୍ବର ସର୍ଟ ଲେଖିବୁ ସି ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ଆସିଲା ଫୋର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି ଟୁ ଡି ହେକ୍ଜାଗୋନାଲ ପ୍ୟାକିଂ, ଟୁ ଡି ହେକ୍ଜାଗୋନାଲ ପ୍ୟାକିଂ, ଟୁ ଡି ହେକ୍ଜାଗୋନାଲ ପ୍ୟାକିଂ, ଟୁ ଡି ହେକ୍ଜାଗୋନାଲ କ'ଣ ଦେଖିବା ଦେଖ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଏଠି ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ଏବଂ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ମଝାମଝିରେ, ଏମାନଙ୍କ ମଝାମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ରଖିଦେବା। ଯେମିତି ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବ ମିଠା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଯିବ, ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନ ଯିବ ଦେଖିବ ଏଠି କ'ଣ ହବ ମିଠାକୁ କେମାନେ ସେ ସଜାନ୍ତି, କେମିତି ସଜାନ୍ତି ଏମିତି ରଖିଦେଲେ ଆଗେ ତାପରେ ଉପରେ ରଖିବେ କାରଣ ଥାକ ହେବେ ଦରକାର, ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ରଖିବେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିବେ ଦେଖ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ହବନି। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆଟମ୍ ରଖିବା ଏଠି, ଦୁଇଟା ଲେଖା ଆଟମ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଲେଖା ଆଟମ୍ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ରଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିଦିଅ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ଏଠି ବି ଲଗେଇ ପାରିବ କି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି ଲଗେଇବା ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ନର୍ମାଲି ଏଇଟା ଦେଖ ଏମିତି ତମେ ଲଗେଇ ପାରିବ ସାଇଡ଼ ବି ଲଗେଇ ପାରିବ ଦରକାର ନାହିଁ ଲଗେଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ମିଡ଼ିଲେ ନେଇଯାଅ, ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏଇଟାକୁ ନେଇଗଲି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମନେ କଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଏଇଟାକୁ ମାନିଲେ ଦେଖିବା ତାକୁ କେତେଟା ଆଟମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏଠି ଗୋଟେ ପାଇଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ପାଇଲେ, ଏଠି ପାଇଲେ, ଏଠି ପାଇଲେ, ଏଠି ପାଇଲେ ଏବଂ ଏଠି ପାଇଲେ ନା ହେକ୍ଜାଗୋନାଲ ହେଉଛି ନା ଦେଖ ଏଇଟା କହିଲେ ତ ଆମେ ଖାଲି କନେକ୍ଟ କରିଦେବା ଏଇ ଦେଖ ହେକ୍ଜାଗୋନାଲ। ସୋ ଏଇଟାକୁ ଟୁ ଡି ହେକ୍ଜାଗୋନାଲ ପ୍ୟାକିଂ କହିବା ମାନେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍କୁ ଛଅଟା ଟଚିଂ ଆଟମ୍ ଆମେ ପାଇବା ବା ଆଟାଚ୍ ଆଟମ୍ କେତେ ପାଇବା ସିକ୍ସ। ତ ଟୁ ଡି ହେକ୍ଜାଗୋନାଲ ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ କୋଡିନେସନ ନମ୍ବର କେତେ ଆସିବ ସିକ୍ସ। ତମେ ନିଜେ ବି କରିପାରିବ ଆରାମସେ ଖାତାରେ, ନିଜେ ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକାଲି କରିବ ଆଉ ଆରାମସେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଟୁ ଡି ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାକିଂ ଭିତରେ ଆଉ ଟୁ ଡି ହେକ୍ଜାଗୋନାଲ ପ୍ୟାକିଂ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି। ଇଜିଲି ତମେ କରିପାରିବ ଯଦି ଟିକେ ତମେ ମାନେ ତମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଶି ଚାହିଁବ ଡାଇଗ୍ରାମ ବା ନର୍ମାଲି କିଛି ବଲ୍ ନେଇ ଆସି ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଏମାନଙ୍କୁ ତ କେତେଟା ଗୋଟେ ଆଟମ୍କୁ କେତେଟା ଆଟମ୍ ଟଚ୍ କରୁଛି ତମେ ଦେଖୁଛ ଇନଫିନିଟି, ଏଇଟା ସବୁ ଇନଫିନିଟି କେବଳ ସୋ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ। ତମେ ଟୁ ଡି ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାକିଂରେ କୋଡିନେସନ ନମ୍ବର ଫୋର ଆସିଲା, ଟୁ ଡି ହେକ୍ଜାଗୋନାଲ ପ୍ୟାକିଂରେ କେତେ ଆସିଲା କୋଡିନେସନ ନମ୍ବର କେତେ ଆସିବ ସିକ୍ସ। ଏବେ ପଡ଼ିବା ଥ୍ରୀ ଡି ପ୍ୟାକିଂ ଓକେ ଜଲ୍ଦି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ। ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଡି ପ୍ୟାକିଂ ସରିଲା, ଟୁ ଡି ପ୍ୟାକିଂ ଗଲା, ୱାନ୍ ଡି ପ୍ୟାକିଂରେ କୋଡିନେସନ ନମ୍ବର ଆମେ ଚେକ୍ କଲେ କେତେ ଆସିଲା ଟୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ଦୁଇଟା ଟଚିଂ ଆଟମ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସୋ ତାର କୋଡିନେସନ ନମ୍ବର କେତେ ଆସିଲା ଦୁଇ ଆସିଥିଲା। ତାହେଲେ ଟୁ ଡି ପ୍ୟାକିଂରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟୁ ଡି ପ୍ୟାକିଂ ଆସିଗଲା, କ'ଣ ଆସିଲା ଟୁ ଡି ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାକିଂ ଆସିଲା ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଟୁ ଡି ହେକ୍ଜାଗୋନାଲ ପ୍ୟାକିଂ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଡି ପ୍ୟାକିଂରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସିସ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଥିଲେ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ହେଉ। ସିମିଲାରଲି ଟୁ ଡି ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାକିଂ ବା ଟୁ ଡି ହେକ୍ଜାଗୋନାଲ ପ୍ୟାକିଂରେ କ'ଣ କଲେ ଏଠି ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବୋଥ୍ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଲେ। ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରି ଦେଖିଲେ ଟୁ ଡି ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାକିଂରେ କୋଡିନେସନ ନମ୍ବର ଫୋର ଆସିଲା ବେଳେ ଟୁ ଡି ହେକ୍ଜାଗୋନାଲ ପ୍ୟାକିଂରେ କୋଡିନେସନ ନମ୍ବର କେତେ ଆସିଲା ସିକ୍ସ ଆସିଲା। ସୋ ଏବେ ଚେକ୍ କରିବା ଆମେ ପ୍ୟାକିଂ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଦେଖିବା, ଏବେ ଥ୍ରୀ ଡିରେ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଥ୍ରୀ ଡି ପ୍ୟାକିଂରେ ଆମେ କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବା ଏବେ ଏମାନଙ୍କ କୋଡିନେସନ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରିବା। ମୁଁ ଖାଲି ଆଜି ତାକୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିଦେବି, ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ହେଲା। ଥ୍ରୀ ଡି ପ୍ୟାକିଂ ତିନି ପ୍ରକାରର, ଥ୍ରୀ ଡି ପ୍ୟାକିଂ କେତେ ଆସିଲା ତିନି ପ୍ରକାର। ତାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ଏଠି ଥ୍ରୀ ଡି ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାକିଂ, ଥ୍ରୀ ଡି ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାକିଂ ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଏଠି ଏ ଏ ଏ ଟାଇପ୍ ପ୍ୟାକିଂ ତ କହିପାରିବା। ମାନେ ଏଇ କେସ୍ରେ ସବୁ ସମାନ ଆସିବ, ଆଟମ୍ ଯୋଉ ଲେୟାର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଲେୟାର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଥିବ ସମାନ ଥିବ, ଲେୟାର ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଥ୍ରୀ ଡି ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାକିଂ ବା ଏ ଏ ଏ ଏ ଟାଇପ୍ ପ୍ୟାକିଂ କହିପାରିବା। ପୁଣି ଦେଖିଦେଇପାରିବା ଥ୍ରୀ ଡି ହେକ୍ଜାଗୋନାଲ କ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ୟାକିଂ, ଥ୍ରୀ ଡି ହେକ୍ଜାଗୋନାଲ କ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ୟାକିଂ, ହେକ୍ଜାଗୋନାଲ କ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ୟାକିଂ ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରୁଥିଲେ ଏଚ୍ ସି ପି ପ୍ୟାକିଂ କହିପାରୁଥିଲେ ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଏ ବି ଏ ବି ଏ ବି ଟାଇପ୍ ପ୍ୟାକିଂ ତାକୁ କହିପାରିବା। ମାନେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେୟାର ସମାନ ଆସିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟମ୍ ଯଦି କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ,
पुणि ए सहित सामान तीन नंबर कन्स्टिट्यूशन यूनिट ए सहित सामान है बी सहित कन्स्टिट्यूशन यूनिट सहित आई फॉर डिस्टर्बेंसेस ता 3D स्क्वायर पैकिंग देखले कोन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट पूरा सेम थिबो एत वन टाइप रहउची टोटल थ्रू आउट द पैकिंग एंड कोन समस्त को कोन सेम आसीबो आ 3D हेक्सागोनल पैकिंग रे कोन देखिले यदि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जोडा के हम कहउथले क ए बी एंड ए बी टाइप कहउथले जो केस रे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेकंड हर डिफरेंट आसीबो थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फर्स्ट सहित समान आबो फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेकंड सहित समान आबो फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फर्स्ट सहित समान हम एंड सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सहित समान हम दुई नंबर सहित सहित मानते अल्टरनेटिव चलते गोटे 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 चलते फर्स्ट थर्ड टू फोर थ्री फाइव फोर सिक्स एम तक कमन आसो ए बी ए बी ए बी टाइप तक कहीपर लास्ट जो आन रखी थ्री डी फेस सेन्टर क्लोज पैकिंग थ्री डी फेस सेन्टर्ड क्लोज्ड पैकिंग ताको हम कौन कही पारी एफसीपी फेस सेंटर को क्लोज लिख पारे फेस सेंटर क्लोज्ड पैकिंग पता को हम कहते हैं कौन ए बी सी टाइप पैकिंग भी ताको कही पारी माने एक तो हम कौन बुझ जाओ तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आसीबो सेकंड डिफरेंट आसीबो थर्ड डिफरेंट आसीबो आ जो फोर आसीबो फर्स्ट सहित समान दिबो आ जो फिफ्थ आसीबो सेकंड सहित समान रहइबो आ सिक्स जोटा आसला तीन नंबर सहित समान रहइबो तने ए ए टाइप थ्रू आउट द क्रिस्टल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम थिबो ए बी ए बी ए बी टाइप जो केस से अल्टरनेटिव रहइबे गोटे रहइबो आ डिफरेंट तापर समान तापर डिफरेंट तापर समान तापर डिफरेंट कंटीन्यूअसली चलथिबो आ ए बी सी टाइप बा फेस सेंटर्ड क्लोज्ड पैकिंग बा एफसीबी ता कोथले जो केस से कोनसला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 1 2 3 डिफरेंट रहइबो पुनी 1 2 3 माने फर्स्ट सहित 4 रो रिप्लेस सेम आसीबो 2 सहित 5 रो एंड 3 सहित कोनस 6 कॉन्स्टिट्यूएंटली कोनची माने सिमिलरली चलिबो अरेंजमेंट आ इनफिनिटी जाय ओके केवल आम टाइप्स पढ़ चार डायग्राम डायग्राम कर डिटेल्स सब बुझेदेवी और इन कोऑर्डिनेशन नंबर तुम चेक करदेवि आम मन रखी ये 3D पैकिंग अच्छी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एलॉन्ग विथ जेड एक्सिस हम चेक करवा ओके ओके जदि किसी डाउट थी तुम मत पिंग कर तुम व्हाट्सएप ग्रुप हो कि यूट्यूब लिंक भिडियो सरला प्रीमियर भिड हम तुम से तुम लिंक जहाँ डाउट डाउट पचार जमा नहीं डरनी डर किसी ये चान्स नहीं तुम आराम से पर्सनल ह्वाट्सअप भी पठे पार मुझे एडिटेड होनी सो ग्रुप ट्राए कर जब ग्रुप सल्व नही पार तुम पर्सनाली मतलब पिंग करके नदीटा भलसे देख आउ नोट सहित कंपेयर भी करके जब भी किसी डाउट आसे तुम मैंने आराम से किसी डाउट नहीं आराम से डरबार किसी ना आराम से तुम मतलब पिंग कर दीपार सर यहाँ बुझीपाली कि ये कनसेप्ट बुझीपाले पुणी तो क्लास करी नेक्स्ट क्लास सल्व आउट करा ट्राए करी ओके गुड बाय गॉड ब्लेस यू ऑल।